इस वीडियो में मैंने कोई एक स्मार्ट डिजिटल क्लॉक बना के दिखाऊंगा जो बेसिकली 7 सेगमेंट जिसमें 4 डिजिट होंगे और बेसिकली आर्डिनो का जो 8 Mega 32 IC है उससे चलेंगे और उसके साथ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेट, टाइम और कौन सा ईयर कौन सा है और उसके साथ साथ आपका कौन सा दिन है, संडे मंडे, सब कुछ शो करने वाला हुआ। और इसमें बैटरी बैकअप रहेंगे, ये पावर 5 वोल्ट पे चलेंगे, लेकिन ये जो बैटरी बैकअप देंगे आपको टाइम भी इसमें स्टोर होंगे, तो अगर पावर डिस्कनेक्ट कर देंगे टाइम इसके साथ रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 PCB के ऊपर जो LED होता है, नॉर्मली LED जो बाजार में मिलता है LED लाइटिंग के लिए, चेन के लिए, उसी LED को मैंने लगा के डिस्प्ले बनाया है, कोई भी बाहर से डिस्प्ले खरीदा नहीं है। तो चलिए इस बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल क्लॉक को बनाना सीख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का सभी सर्किट डायग्राम और आर्डिनो कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बनाने के पहले मैंने एक चीज आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि डायरेक्टली आप और जो LED है वो इतना ज्यादा LED तो आपको लगेगा ही, टोटल अराउंड 120 LED आपको लगने वाला है। तो देखिए एक साथ सब LED आप Arduino के डिजिटल पिन से आप जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वोल्टेज भी ठीक आएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होंगे, LED का कुछ नहीं होगा, लेकिन Arduino का IC पूरा जल जाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा mA नहीं है, तो इसीलिए भी आपको ट्रांजिस्टर जरूर यूज करना है, तो वो भी सब कुछ आपको दिखाने वाला हो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे इसको सोल्डर करना, कैसे इसको प्लेस करना है, तो ये देखिए ब्लैंक PCB जो मिलता है बाजार पे वही मैं यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने सिंपल आपको दिखाने वाला हूँ कि स्पेस देके कैसे चारों डिजिट को इसमें ठीक ठीक करके स्पेस देके आपको बनाना है। लेफ्ट साइड में जो 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है, मतलब 8 डिजिट है, 1 डिजिट आते हैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अभी तक सोल्डर वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ। तो और मिडिल में जो कॉलोन है उसमें पॉइंट भी आएंगे और टाइम का कॉलोन भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कनेक्शन कैसे, ये कॉमन एनोड डिस्प्ले है, समझिए कॉमन एनोड मतलब इस एक डिजिट का सभी LED का एक पॉजिटिव लेग एक साथ कनेक्ट होंगे और सभी सेगमेंट का, यानी कि ABCD जो 7 सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट का लेग दूसरे सेगमेंट का अलग अलग होंगे, लेकिन सभी सेगमेंट का लेग भी मतलब जो नेगेटिव है वो कॉमन होंगे, लेकिन सभी सेगमेंट का पॉजिटिव कॉमन होंगे। यह है कॉमन एनोड डिस्प्ले, सभी रेफरेंस डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो देखिए कैसे इसको शॉर्ट करना है, मतलब पॉजिटिव लेग को कैसे शॉर्ट करना है। तो देखिए एक प्लायर से और एक ट्वीजर से आपको करना है, एक को आपको लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है, राइट हैंड से इसको बेंड करना है, सभी का पॉजिटिव एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे इसको बनाना है। और यहाँ पर मैंने कॉमन पॉजिटिव क्यों बनाया, कॉमन एनोड, क्योंकि हमको 4 ट्रांजिस्टर यानी कि BC5 पुश 7 लगेंगे। अगर आप कॉमन कैथोड बनाएंगे तो आपको 7 लगेंगे, हम तो गरीब आदमी है इसलिए ट्रांजिस्टर सेव करने के लिए मैंने कॉमन एनोड बनाया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सोल्डर करने के बाद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रिमेम्बर पॉजिटिव मैंने इनसाइड किया हुआ, मतलब जो सभी का जो इनर सर्कल है उसके तरफ मैंने सभी का पॉजिटिव डाल दिया। तो देखिए एक डिजिट रेडी हो गया, अब एक डिजिट चेक करके दिखाने वाला हूँ। देखिए जब मैं कंटिन्यूटी बोर्ड आपका कोई भी मल्टीमीटर है उसमें रख के मैं चेक कर रहा हूँ, तो रेड वायर यानी कि पॉजिटिव को कॉमन है वो तो फिक्स कर लीजिए, उसके साथ साथ नेगेटिव को हर एक सेगमेंट में लगाया। देखिए सिर्फ उसी सेगमेंट को जलना चाहिए, बाकी सेगमेंट बाकी LED कुछ भी नहीं जलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही सेगमेंट ABCDEFG, तो ये जी तक जल गया, मतलब एक डिजिट कंप्लीट हो गया। तो इसी को मैं चारों बार करूंगा, तो देखिए कर लिया हूँ मैंने, थोड़ा टाइम लगेंगे, और मेरा जो डिस्प्ले है 4 डिजिट डिस्प्ले पूरा तैयार हो गया। पीछे से देखिए, पीछे से देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ठीक ठाक ही है। तो चलिए अब क्या लगने वाला है, IC बेस लगेंगे आपको, थर्ड यार पर DS1307, उसके साथ साथ 32 kHz का एक जो क्रिस्टल है वो भी लगेंगे इसको, टाइम, क्लॉक, पल्स, ये सब लगने के लिए। तो RTC मॉड्यूल है बेसिकली, उसमें 8 पिन IC बेस लगेंगे और जो 32 पिन IC बेस यानी कि 16 16 दोनों IC बेस एक साथ लगाऊंगा, क्योंकि हमारा जो 8 Mega 32 है उसका 28 पिन है, तो 28 पिन का बेस नहीं मिला इसीलिए मैंने 2 16 पिन का IC बेस लगा के बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो रेड वायर है 1 2 3 वो चारों डिस्प्ले का आ रहा है, तो ये मैंने बेसिकली BC5 पर 7 पे किया हूँ, तो एमीटर से ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एक फ्लैट केबल है, रिबन केबल मैं बोल सकता हूँ, तो उसमें ABCDEFG यानी कि 7 वायर है और सभी का ए, चारों डिस्प्ले का ए आपस में कनेक्टेड है, तो ए सभी ए एक साथ है, सभी बी एक साथ है, सभी सी एक साथ है,
मैट्रिक शॉर्ट हो जाने के बाद ए बी सी डी एफ जी 7 बार वहाँ से आ रहा है, और नीचे से हर एक डिजिट का ए बी सी डी एफ जी का कॉमन एनोड यानी कि पॉजिटिव पार्ट उसमें नीचे आ रहा है। तो टोटल 11 वायर वहाँ से आएंगे, दो यहाँ पर जो मिडिल पर कोलोन है उसमें दो आएंगे, टोटल 13 डिजिटल वायर लगेंगे और एक ग्राउंड पर लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है, बैटरी का जो 3CR2032 उसका भी कैप लगने वाला है, थोड़ा फीमेल हेडर भी लगने वाला है। यहाँ पर देखिए 10K रजिस्टर से बेस से लगा हुआ, और बेस में आएंगे डिजिटल पिन जिसको ऑन जब ऑन करना है। तो और एक यहाँ पर 16 MHz से भी क्रिस्टल लगेंगे आर्डिनो के लिए, और इसमें BC547 यूज़ किया हो। तो यह है बेसिकली लुक्स, और ये जो सेंसर है DST22 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, आप पैसा बचाने के लिए DST11 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DST22 बहुत ही एक्यूरेट है, तो इसीलिए मैं DST22 यूज़ करने वाला हूँ। उसके साथ साथ पावर सप्लाई के लिए एक 5V का इनपुट जो पिन आउट है माइक्रो USB का वो लगने वाला है, तो 5V और ग्राउंड। रिमेंबर इसमें 5V से ज़्यादा मान दीजिए, क्योंकि जो कनेक्शन में करने वाला है वो डायरेक्ट होंगे, तो ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उड़ जाएंगे, तो एक्सटर्नल एडाप्टर से ही यहाँ पर 5V दे सकते हैं आप। तो देखिए टोटल जो सर्किट डायग्राम है एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सभी उसके हिसाब से कर लिया, बहुत ही ईजी सर्किट डायग्राम है। मैंने बोल दिया कि ABCDEFG में डिजिटल पिन 5 to 11 जाएंगे, 12, 13 होंगे मिडल का कोलोन, और डिजिटल पिन 1, 2, 3, 4 में जाएंगे चारों डिजिट, और ये जो DS1307 है उसका SDSCL है, और A1 यानी कि एनालॉग 1 में जाएंगे हमारा जो DST22 टेम्परेचर सेंसर का डेटा पिन। तो ये टोटल बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, आप किसी भी 8MEGA32 का पिन आउट देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएंगे कि कितने इजी है कनेक्शन करना, कौन सा पिन में क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट सिंपल डिस्प्ले को टेस्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक जस्ट काउंटिंग टाइमर लगा दिया हूँ, तो आप देखिए बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से लग रहा है, यह काम कर रहा है डिस्प्ले। तो अभी इसको बर्न करने के लिए देखिए फीमेल हेडर दिया हूँ लेफ्ट साइड पे, और रिसेट बटन भी दे चुका हूँ, तो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे रिसेट बटन वगैरह। और देखिए यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, और मेन जो इनपुट आ रहा है ये 100 ओम रजिस्टर से आ रहा है। तो ये देखिए ESP TTL इससे मैं कोड को बर्न करने वाला हूँ, तो आपको 8MEGA का कोड बर्न करना है तो इसके अंदर ही आप डायरेक्ट कोड बर्न कर सकते हैं 8MEGA32। और अगर इसको बूट लोडर नहीं है तो बूट लोडर कैसे लगाना है बहुत ही सिंपल है, आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और एक वीडियो बना के, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ कोड अपलोड करने का सिखा रहा हूँ, बूट लोडर बर्न नहीं है। तो बूट लोडर बर्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। तो बैटरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर दिया हूँ, तो देखिए डिस्प्ले भी काम कर रहा है, ये तो USB TTL है उसके पावर से ये टोटल चल रहा है। तो चलिए अब कुछ इसको मतलब कुछ पिन को हैंगिंग के लिए जो हुक लगेंगे उसको सेटअप करना है। तो क्या है, एक सिंगल जम्पर वायर जो सिंगल कोर वायर होते हैं उसको ही मैंने सोल्डर कर दिया, जो ब्लैंक एरिया था उस ब्लैंक PCB के 0 PCB के। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी ये बन गया, इसको हैंगिंग कर सकते हैं वॉल पे किसी भी हुक पे। तो ये हो गया इसका हैंगिंग, आप पीछे से इसको कवर भी करना है क्योंकि पीछे बहुत वायर है तो उसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने एक बोर्ड लिया हुआ येलो कलर का, जो कॉरिगेट सीट बोलते हैं मेनली, तो उसको मैंने लिया हुआ और उसको साइज करके एक नाइफ से मैं काटूंगा। तो देखिए कैसे इसको करना है, तो करने के लिए ऐसे ही एक बहुत हार्ड स्केल यूज़ कीजिए, ये बेसिकली स्केल नहीं है, ये बेसिकली टाइल्स है, टाइल्स का कटा हुआ टुकड़ा, तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो शेप है उसके हिसाब से मैंने काट लिया हूँ। तो अब इसको कैसे फिट करना है, तो बेसिकली हॉट ग्लू गन से इसको मैं फिट करने वाला हूँ, सबके पास ही हॉट ग्लू गन होता है। तो देखिए मैंने ऊपर का जो साइज है उसके हिसाब से इसको काट लिया और इसको हॉट ग्लू गन से लगाऊंगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो वायर निकल रहा है हैंगिंग के लिए उसमें थोड़ा छेद करना होगा क्योंकि उससे वायर बाहर आ रहा है, तो जस्ट मार्क कर लिया और नाइफ से मैंने इसको काट लिया, तो ये भी हो गया है। अब देखिए हॉट ग्लू गन पूरा जो रेक्टेंगुलर शेप है उसमें मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप में हॉट ग्लू गन दीजिए, इसमें क्या होंगे आपको जो हॉट ग्लू गन बच जाएंगे और देखने भी अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा देंगे तो आपका वायर से वायर्स इसके साथ अटक जाएंगे, तो बाद में कुछ शॉर्ट होंगे तो उसको फिर से हीट देके बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्लू गन दिया हूँ, जितना लग रहा है उतना ही दे रहा हूँ। तो देखिए ये भी हो गया एक पार्ट, तो ऐसे करके मैं पूरा चारों तरफ से किया हूँ, और पीछे से एक बड़ा वाला जो बैक है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आगे वाले इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, जो भी प्रॉब्लम है कोड है या बैटरी भी ख़त्म हो जाएंगे तो सामने से बैटरी आप चेंज कर सकते हैं, और जो पावर इनपुट है नीचे से तो पीछे का जो कवर इसको खोलना नहीं है। तो देखिए जो साटे होते हैं मेरे पनीर साटे चिकन साटे उसका जो स्टिक होता है
वही मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इसको सामने वाले को कवर करने के लिए। तो देखिए ऐसे आपको ग्लू गन सी जो स्टिक है ऊपर की तरफ, ऐसे इसको जैसे कि बोल सकते हो थोड़ा बहुत ही शार्प है मुँह, तो शार्प से क्या होंगे जो थोड़ा येलो कलर का सीट बच गया है उस समय सामने वाला का जो आईसी वगैरह है देखने में उतना अच्छा नहीं है तो कवर करने वाला हूँ। तो पहले एक बार जस्ट देखिए कैसे इसका शो हो रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये चल रहा है। तो अभी का टाइम है रात का 12:30, तो 00 आ रहा है, 24 आवर फॉर्मेट है। तो इसके बाद डेट आ रहा है, आज का डेट है 30 दिसंबर, तो वो भी डेट आ रहा है। तो उसके बाद ये मॉन्डे लिखा रहा है लेकिन आपको एन लग रहा है क्योंकि मेन एक प्रॉब्लम है इसका कि इसमें एम नहीं सपोर्ट करता इस 7 सेगमेंट, तो एम के जगह मैंने एन के रिप्लेस किया हुआ। तो 2019 का ईयर भी आ रहा है और 10th में एम के जगह एन किया हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम नॉट इक्वल टू एन है इस डिस्प्ले पे। और 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड है और देखिए ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी भी पॉइंट पे आएंगे तो तब सिंगुलैरिटी पॉइंट पे जल रहा है, 93.6% ह्यूमिडिटी है। तो ये है पूरा इसका काम धाम। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये भी आप बना सकते हैं बहुत इजीली, सब कुछ कोड आर्डुइनो कोड सर्किट ब्रेकर डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप चाहे तो बना सकते हैं। मुझे कमेंट में आपका क्या इसको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसमें आर्डुइनो का क्लॉक 24 आवर क्लॉक बनाने में इंटरेस्ट है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सब्सक्राइब टू Some tips.